हेलो गाइस, मैं रजन सिंह लोधी, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरएसएल एडुलाइन में। जीके जीएस टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का यह 8वां वीडियो है। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं एवं आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना होती है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए और यदि आपको पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आइए हम शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? सितार, तबला, सारंगी, सहनाई। करेक्ट आंसर इज सारंगी। सारंगी संस्कृत के दो शब्द सारंग से मिलने से बना है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण एशिया में मानी जाती है। यह भारत का एक प्राचीन कालीन वाद्य यंत्र है, जबकि सितार, तबला एवं सहनाई जैसे वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक संस्कृति में हैं। सितारे एवं तबला के जन्मदाता सितारे एवं तबले के जन्मदाता अमीर खुसरो हैं। निम्न में से कौन सा सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित नहीं था? एम एन राय, जयप्रकाश नारायण, मुरारी जी देसाई, नारायण अग्रवाल। करेक्ट आंसर इज जयप्रकाश नारायण। ओके, सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए विनोबा भावे के साथ साथ जयप्रकाश नारायण, दादा धर्माधिकारी, धीरेन्द्र मजुमदार, शंकर राव एवं के जी मशरूमवाला सम्मिलित थे। इन लोगों ने वर्ष 1950 से 1960 के दशक में भूदान एवं ग्राम आंदोलन के साथ साथ अनेक स्वयं सहायता संगठनों का भी संचालन किया है। तो इसमें आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था? तो जयप्रकाश नारायण। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ 1951-52, 1956-57, 1961-62, 1966-67। करेक्ट आंसर इज 1951-52। प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरंभ वर्ष 1951-52 में हुआ। इस योजना की अवधि वर्ष 1952 से 1956 थी। इस योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई है। ओके, पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास, विष्णु शर्मा, तुलसीदास, रैदास जी। करेक्ट आंसर इज विष्णु शर्मा। पंचतंत्र प्राचीन कहानियों का संग्रह है। इसकी रचना विष्णु शर्मा द्वारा तीसरी शताब्दी में की गई थी। संस्कृत साहित्य का प्रादुर्भाव किस वेद के द्वारा हुआ? यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद। करेक्ट आंसर इज ऋग्वेद। संस्कृत जो है ऋग्वेद से उत्पन्न हुई है। संस्कृत साहित्य का प्रादुर्भाव ऋग्वेद से माना जाता है। ऋग्वेद से प्राचीन भारत के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। इस वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियां हैं। सुविचार, आज का जो सुविचार है वो क्या है? जैसा आप अपने दिल में सोचते हैं आप वैसे ही होते हैं। तो आप अच्छा सोचिए, अपने दिल को अच्छा बनाइए, अच्छे अच्छे सपने देखिए, तो आप अपने बारे में जब अच्छा सोचेंगे तो आप अच्छे बन जाएंगे। इसलिए प्रोफेट डेविड ने कहा है, जैसा आप अपने दिल में सोचते हैं आप वैसे ही होते हैं। तो अच्छा सोचेंगे अपने बारे में तो आप अच्छा बन जाएंगे। महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? 12 वर्ष, 10 वर्ष,
9 वर्ष, 6 वर्ष। करेक्ट आंसर इज 12 वर्ष। महाकुंभ का आयोजन 12 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। भारत में 4 महाकुंभ मेलों का आयोजन क्रमशः नासिक महाराष्ट्र, उज्जैन मध्य प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश एवं हरिद्वार उत्तराखंड में किया जाता है। निम्न में से कौन सा चार धाम में सम्मिलित नहीं है? पुरी, द्वारिका, मानसरोवर, रामेश्वरम। करेक्ट आंसर इज मानसरोवर। मानसरोवर जो है वो चार धाम में सम्मिलित नहीं है। चार धाम में मानसरोवर को सम्मिलित नहीं किया जाता है। चार धाम में मुक्ता, बद्रीनाथ, पुरी, द्वारिका एवं रामेश्वरम को सम्मिलित किया जाता है। बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द का संबंध है किससे है? बटरफ्लाई जो स्ट्रोक शब्द का संबंध किससे? तैराकी, मुक्केबाजी, कुश्ती, कबड्डी। करेक्ट आंसर इज तैराकी। बटरफ्लाई स्ट्रोक तैराकी से संबंधित है। यह GS GK टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 10 है उसका यह 8वां वीडियो है। ये 1 से लेके 8 तक अभी ये वीडियो हैं, इनमें टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को समाहित किया गया है जो सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो उन वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है तो उनको भी आप देख सकते हैं। किस देश ने हॉकी पुरुष वर्ल्ड कप खिताब को 3री बार जीता? नीदरलैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। हॉकी पुरुष वर्ल्ड कप 2014 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड्स को 1-6 से पराजित किए जीता है। यह खिताब ऑस्ट्रेलिया ने 3री बार हासिल किया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने यह खिताब वर्ष 1986 एवं 2010 में हासिल किया। तो 2014, 2086, 2010 3 बार जीता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगन, रोपण, पाटलिपुत्र, लोथर। करेक्ट आंसर इज पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मौर्यकालीन भारत की राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता से इसका कोई संबंध नहीं था, जबकि कालीबंगन, रोपण, लोथर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल हैं। तो यहाँ 10th ऑफ जो GK GS मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का यह 8वां वीडियो समाप्त होता है। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंकिंग फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।